हाय विवान, तो देखिए आज मैं इसका बना रही हूँ घुगनी और गैस पे चढ़ा दी हूँ कुकर। तो देखिए कितना है और इसको अभी थोड़ा सा 2 सीटी लगा ली हूँ, भाप के इसको निकाल ली हूँ। अब इसमें से बिल्कुल देखिए बिल्कुल थोड़ा सा इसको मोटा ग्राइंड करेंगे क्योंकि झोर बना रहे हैं, हल्का सा गाढ़ा चाहिए। और इसके लिए प्याज ज़्यादा चाहिए, भर प्लेट इसको ली हूँ, 4 प्याज हैं। और लहसुन भी चाहिए, तो लहसुन सिर्फ लहसुन है, अदरक है इसको डालूंगी। तो चलिए अभी इसमें डाल रही हूँ। तो इसमें हम डालते हैं देखिए सरसों का तेल। अब इसमें डाल रही हूँ प्याज, देखिए अभी डालूंगी इसमें जीरा, बिल्कुल अंदाज से ही थोड़ा सा डाल रही हूँ और इसकी चटनी भी देती हूँ। उसके बाद इसमें डालूंगी सूखा मिर्च और तेज़ पत्ता, तीन छोटे जहाँ कम हो सके बाहरी आवाज जाए लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए 2 तेज़ पत्ता डाल रही हूँ, उसको ज़्यादा छोटा करके नहीं डालेंगे क्योंकि वो मुँह में सड़ जाए चाहे, तो इस वजह से थोड़ा सा उसको बड़ा ही डाल रही हूँ। और ये देखिए सूखा मिर्च डाल दी हूँ। तो देखिए ये हल्का सा अब इसमें डालूंगी ये प्याज, पूरा प्याज डाल दूंगी 4 को। थोड़ा सा इसको भूंज रही हूँ जब तक थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए तब तक हल्का सा। तो देखिए ये हल्का थोड़ा सा फ्राई हो गया, इसमें लहसुन डालते हैं वो भी भून जाए। इसको पकाते और हाँ इसमें देखिए मैं टमाटर भी डालूंगी, मीडियम साइज का है क्योंकि मन है तो दीजिए, न भी दे सकते हैं लेकिन देने से भी टेस्ट अच्छा आता है तो इसलिए मैं डाल। तो इसमें नमक डाल दी हूँ और बस इसको थोड़ा सा, इसमें टमाटर भी डाल दी हूँ और इसको हल्का से ऐसे पूरा मिला के और बस थोड़ा सा इसको ढक देंगे बिल्कुल थोड़ा देंगे। तो देखें इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, कलर आने का अंदाज से भी डाल देंगे। और ये है लाल मिर्ची पाउडर, गोलकी पाउडर, काली मिर्ची, ये बिल्कुल थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि मिर्ची के। और ये काश्मीरी लाल मिर्च है थोड़ा सा डालती हूँ। और ये है घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर, तो इसको डाल देती हूँ। चलिए इसको अभी मिला रही हूँ और अभी भी इसमें डाल देती हूँ जो खड़ा वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा भी जाएगा फ्राई होगा, तो इसको भी डाल रही हूँ। तो इसको 10 मिनट हो गया है और इसमें डाल रही हूँ जो थोड़ा सा उसको पीछे थे इसको डाल देते हैं और बस इसको बढ़िया से बिल्कुल बढ़िया से इसको मिलाएंगे। और फिर दो ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए इसको हल्का सा ढक्कन से ढाक के और थोड़ा सा इसको मिलने के लिए मसाला पीसने के लिए इसे छोड़ दें। तो देखिए बहुत परेशान करती हूँ कि कम से कम बाहरी आवाज़ आप लोग तक पहुँचे, लेकिन क्या करें गाड़ी वाली भी चलता है ना तो आवाज़ आता ही है। तो एक पक गया है और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो देखिए इतना पानी एक गिलास थोड़ा सा कम ली हूँ, देखती हूँ डाल के जितना ज़रूरत होगी उतना डालूंगी कि जितना में गाढ़ा ना बिल्कुल रहे, बिल्कुल गाढ़ा रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। और पीस के डाली हूँ तो इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा पानी आधा गिलास और डाल दे रही हूँ, मिनिमम 1.5 गिलास पानी इसमें डाली हूँ। अब इसको हो गया, मिल गया है, बस इसको अब लगा देते हैं ढकना और बस इसको कम से 2 सीटी लगने देते हैं। तो इसमें सीटी लग गया, इसमें छौंकने के लिए हींग, जीरा और कम से कम 2 चम्मच घी ही, थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा तो 2 चम्मच घी और जीरा, थोड़ा सा हींग क्योंकि ये बातर भी होता है
तो देखिए फाइनली बन गया, बहुत टेस्टी बना है कि बहुत गर्म है, ध्यान से और देखिए बिल्कुल एकदम सीछा हुआ है। देखिए तो एकदम बढ़िया सा बन गया। आप बनाइए, तब तक फिर दूसरा वीडियो डालूँगी कुछ अलग।